चलो बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज एंड लेट स्टार्ट विद न्यू टॉपिक टूडे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स लिख दो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स डिपार्टमेंटल अकाउंट्स डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इस टॉपिक को लिखो इस टॉपिक के बारे में एक मेजर कंफ्यूजन है बच्चों को और वो कंफ्यूजन ऐसा है कि ये टॉपिक ईजी है अब ये इजी कब लगता है मैं आपको बताऊं कि जब आप उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं करते हो जिस लेवल की प्रॉब्लम ये टॉपिक डिमांड करता है तो टॉपिक इजी लगता है बट यू हैव टू टेक माय वर्ड्स एंड मार्क माय वर्ड्स दिस टॉपिक इज नॉट इजी दिस टॉपिक इज एग्रीड और इसका सबूत बद देता हूं मैं तुमको इस टॉपिक पर सिक्सटीन मार्क्स के दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं और दोनों बार यही क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल थे उस पेपर की बैंड बजाने के लिए मैं न्यू सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं ओल्ड सिलेबस में आए हुए न्यू सिलेबस में अभी ये टॉपिक अपना जलवा दिखाना बाकी है तो 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया था लोगों ने और बाकी एक टॉपिक ब्रांच में छोड़ के ऑप्शन में छोड़ के गए थे डिपार्टमेंट बोला कि परफेक्ट आता है अपने को तो उन बच्चों के लिए बिचारों के लिए बत्तीस मार्क ऑटोमेटिकली आप, ऑप्शन में छूट गए थे और बत्तीस मार्क प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऑप्शन में छूट जाने के बाद में बैंड बजी जाती है तो इस टॉपिक को एक वो चीज ना करें कि ये टॉपिक इजी है ये गलत फहमी है ये टॉपिक इजी नहीं है तो मां कसम मजा आता है ऐसा टॉपिक है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट अब डिपार्टमेंट अकाउंट क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दू एंड देन इमीजिएटली विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ये देखो एक फ्लोर के ऊपर आप अलग अलग डिपार्टमेंट थ्रू काम करते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग डिपार्टमेंट होगा ओके okay. उसके बाद में आपका मे बी टेलरिंग शॉप होगा ये क्लोथिंग मतलब शर्टिंग शूटिंग और फिर इधर क्या होगा कि आपके पास मे बी यू नो वो क्या कहते हैं उसको रेडीमेड और मे बी इधर एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट होगा अब ये पता करना कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म करना है इसके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है बट ध्यान रहे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज नॉट कंपलसरी एनी वेयर इट इज ओनली कंपल्सरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी में आपको जनरल इंश्योरेंस में फायर मरीन और अदर इंश्योरेंस ऐसे ब्रेकअप करके दिखाना पड़ता है बट इसके अलावा कहीं पर भी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है जैसे आपने ऑडिट में पढ़ा होगा या कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि ब्रांच का ऑडिट होना कंपलसरी है ऐसा डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ोगे सो डिपार्टमेंट डजेंट है आई कैन से लीगल मैंडेटरी सेपरेट बुक्स टू बी मेंटेन ब्रांच को मैंडेटरी होता है कि वहां से रिटर्न आना चाहिए वहां का ऑडिट होना चाहिए क्योंकि सेम फ्लोर पर है और ब्रांच कैसे होता है अलग अलग लोकेशन पर होती है तो उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ता है सो so, यहां पर ये क्या है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में काम करेगा आपके लिए मैनेजमेंट को डिटेल्स और डेटा मिलता है कि क्या यह डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए इसको बंद कर देना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट में मार्जिन ज्यादा है कौन से डिपार्टमेंट को एक्सपांड करना है क्योंकि ओवरऑल जो आपको पता चलता है वो क्या पता चलता है कि बिजनेस अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है यही बात पता चलती है ना अपने को बट वो पी एंड एल अकाउंट से सिर्फ प्रॉफिट पता चलता है बिजनेस का बट बिजनेस में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है ये नहीं पता चलता है तो ये पता करने के लिए पेज नंबर सेवन पॉइंट वन पर आओ मतलब पेज नंबर वन पर आओ इधर आपको डीमार्ट दिख रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर यस और नो अब इधर किड्स सेक्शन है टॉयज इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है क्लोथ सेक्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इन सभी के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं अब प्रत्येक मैनेजर को कितना ज्यादा रेम्यूनरेशन दे कितना पैसा दे ये भी किस पर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट एम आई कम्युनिकेटिंग सो दैट्स वॉट ऑल इट इज अबाउट अब बात क्या होती है कि तुम्हारे पास ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है बेटा यू हैव गॉट वॉट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट संतोष ओ संतोष मुझे बता अपने ऑफिस में क्या क्या काम चलता है इनको बता बच्चों को अच्छा ये बंदा क्या बोल रहा है सुनो सर हमारे यहां पर क्या डिपार्टमेंट है एक पेनड्राइव का सेल होता है एक लाइव बैच का भी बुक सॉरी बाकी सभी चीजें थर्ड बुक सेल होते हैं हाँ नहीं? सभी चीजें एक ही जगह पे है एग्रीड अगर मान लो कल को मैं ये भी चालू करूं अदर फैकल्टीज की पेनड्राइव रखू इधर एग्रीड सपोज मान लो मैं ऐसा करूं कर नहीं रहा okay, हूं खाली जी गांव पर ढिंडोरा मत पीट दियो कुछ नहीं कर रहा मैं मैं सिर्फ समझा रहा हूं सो अर पेनड्राइव का काम करूं तो बेटा जी मेरे जो स्टाफ है वो तो सेम रहेंगे एक स्टाफ और ऐड कर दूंगा अब ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि अदर अदर फैकल्टी के पेनड्राइव के लिए एक स्टाफ है इसके लिए एक है इसके लिए एक है नहीं तुम देखते हो संतोष हर जगह पे काम करता है तो ये संतोष है इस संतोष के संतोष तुम्हारे लिए काम क्यों करता है बस पूछ रहा हूं क्यों करता है पूछ रहा हूं बस ऐसे किसके लिए काम करता है सैलरी के लिए प्यार के लिए नहीं ना गुड <laughs> तो तुम सैलरी के लिए जब काम करते हो तो यह सैलरी आपको चारों में बांटनी पड़ेगी इट इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन ओवरहेड्स सो so, वही चीज सिखानी है मुझे डिपार्टमेंटल अकाउंट में कि आपको एक्सपेंडिचर दिए जाएंगे उनको कैसे बांटना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यहां से शुरू होता है क्योंकि आपके पास एक्सपेंडिचर एक ही रहेगा जैसे सैलरी अब जैसे ये मेरा ऑफिस है मान लो तो इस ऑफिस के यहां पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो एक ही है बट इसको बांटना पड़ेगा मुझे तीन चीजों में जैसे वो क्लीनिंग है सारी चीजें वो एक्सपेंस एक ही है बट वो बांटना पड़ेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो देर आर सम

बट ए बाटना कैसे अलोकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन अपोर्शनमेंट यस और नो सब जरा देखो ट्रैवलिंग एंड सेल्समैन सैलरी सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर सेल सर्विस डिस्काउंट अलाउड फ्रेट आउटवर्ड्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड सेल्स मैनेजर सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स ये कौन से रेशियो में जाएगा सेल्स रेशियो ये सेल्स रेशियो में जाएगा यस और नो आगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस हीटिंग ये कौन से बेसिस पर जाएगा फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, एग्रीड तो सेल्स से जुड़ा हुआ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट रेंट रेट्स और ये सारी चीजें कौन से बेसिस पर कितना एरिया ऑक्युपाई किया है उस डिपार्टमेंट ने आगे क्या है लाइटिंग लाइट पॉइंट्स, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक एवरेज स्टॉक इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी और नो पावर सॉरी ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट वेजेस पावर आर्स वर्क्स इनटू हॉर्स पावर डेप्रीसिएशन वैल्यू ऑफ असेट इन ईच डिपार्टमेंट रिपेयर्स एंड रिपेयर वैल्यू ऑफ असेट इन ईच डिपार्टमेंट ये दोनों चीजें कैंटीन एक्सपेंसिस अंडरस्टैंड नॉट ऑन देश क्योंकि एक मैनेजर भी उतना ही खाना खाता है और एक वर्कर लेबर भी उतना ही खाना खाएगा सो so, नंबर के बेसिस पर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस और सैलरी मैनेजर की सैलरी रहेगी वन लैक और एक वर्कर की सैलरी रहेगी दस हजार तो कैंटीन एक्सपेंस ऐसे नहीं बांटने का हंड्रेड इज टू वन खाना तो दोनों सेम ही खाएंगे ना इसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस नंबर ऑफ एंप्लॉइज एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्योंकि वेलफेयर भी सैलरी के बेसिस पर वेलफेयर एक्सपेंस नहीं होता है इट इज इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल आगे वर्क मैनेजर सैलरी टाइम स्पेंड इन ईच डिपार्टमेंट कैरेज इनवर्ड परचेसेस एंड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चार्ज टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अब आप सोच रहे होंगे इतना फास्ट क्यों पढ़ा इतना फास्ट ही पड़ने का घर पर भी क्योंकि आगे जाकर आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि ये जो भी कुछ पड़ा है उसमें से बहुत छोटी सी चीज काम आती है क्योंकि एग्जामिनर खुद ही बताता है कि कैसे बांटना है एक्सपेंस कैसे बांटना है वो एग्जामिनर ही बताएगा इनकम कैसे बांटना है एग्जामिनर ही बताएगा यस और नो और बाकी की चीजें आपको ओवरहेड से पता चल जाएगी एग्रीड सो बॉयज एंड गर्ल्स यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर वन हुड पांडे रॉबिन हुड पांडे इज अ रिटेल ट्रेडर हु स्टोर्स हैज टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग इन क्लोदिंग एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिस्पेक्टिवली The following trial balance was extracted from the books at 31st December 2007. The accounting year ended. तो बेटा जी आप जरा ध्यान से देखो. Sales, Clothing Department 1 lakh 20,000. Sales, Clothing Department 1 lakh 20,000. Sports Equipment इसका भी क्या है Sales. 160 ये यह यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा ये सेल्स क्लोथिंग है और सेल्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोथिंग और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सिक्सटीन थाउजेंड यह भी क्या है बेटा जी ओपनिंग स्टॉक है सो बेटा अगर जरा ट्रेडिंग अकाउंट को विजुअलाइज करोगे सो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक क्लोथिंग में जाएगा एक स्पोर्ट्स में ओपनिंग स्टॉक डेबिट दोनों होंगे हाँ या नहीं परचेसेस क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स हाईलाइट करो ये दोनों एक साथ दिए इसको बांटना है परचेसेस दोनों का कंबाइंड दिया है दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्लोथिंग ये जाएगा कहां पे क्लोथिंग में और यहां पर वापस बेटा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस ही है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यस और नो सो ये कहां जाएगा स्पोर्ट्स वाले कॉलम में सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्लोथिंग ये कहां जाएगा क्लोथिंग में और ये भी सेल्स एंड एडमिन ही है आई एम सो सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक कहां जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाले डिपार्टमेंट में कैपिटल कैपिटल नहीं बांटने का सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का बंटवारा होता है बैलेंस शीट आइटम का बंटवारा नहीं होता है तो कैपिटल बैलेंस शीट लाइवलिटी साइड रिजर्व बैलेंस शीट लाइवलिटी साइड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइवलिटी साइड बैंक ओडी बैलेंस शीट लाइवलिटी साइड डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट लेस फ्रॉम असेट फर्नीचर बैलेंस शीट असेट लेस फ्रॉम असेट व्हीकल्स बैलेंस शीट असेट प्रोविजन फॉर लेस फ्रॉम असेट फिर टोटल दिया जीपी इज फॉलोज क्लोदिंग वन थर्ड ऑफ सेल्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थ्री टेंथ ऑफ सेल्स समझे जीपी वन थर्ड बोला और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना थ्री टेंथ एक चीज समझ में आ रही है देखो एवरी तुम्हें ओपनिंग पता होगा तुम्हें सेल्स पता होगा तुम्हें क्लोजिंग भी पता है देंगे क्लोजिंग देंगे, ये रहा, क्लोजिंग भी दिया है सेल्स के ऊपर जीपी रेट पता है बैलेंसिंग फिगर परचेसेस आ जाएगा और दो जो परचेसेस है उसकी टोटल और जो परचेसेस तो मैच होना चाहिए अपने को डिपार्टमेंट वाइज नहीं पता ना गुड़िया ये स्प्लिट करना है तो कैसे प्रत्येक डिपार्टमेंट का ओपनिंग पता है क्लोजिंग पता है सेल्स पता है और यहां पे जीपी रेट पता है तो जीपी भी निकल जाएगा सो बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट बट वो परचेसेस मैच होना चाहिए अपना टोटल के साथ आगे अमाउंट प्रीपेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस क्लोथिंग थ्री हंड्रेड तो इसका एंट्री क्या होगा बेटा जी प्रीपेड टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस नहीं सो so, अगर सुंदर टीचर को याद करोगे तो क्या बताते थे कि बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस में से लेस बट कौन से कॉलम में क्लोदिंग क्योंकि क्लोदिंग से ताल्लुका है ना अगला क्या है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो क्या करोगे एक्सपेंस में एड और बैलेंस शीट लाइबली साइड सो क्लोदिंग में इतना एड करोगे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इतना एड करोगे यस और नो अब आगे द सेल्स स्टाफ रिसीव कमीशन इन जून ऑफ ईच ईयर बेस्ड ऑन द जीपी अर्ड इन द डिपार्टमेंट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्लोथिंग 2% ऑफ जीपी एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3% ऑफ जीपी इस लाइन का मीनिंग क्या है कमीशन देंगे मतलब जो करंट ईयर का फाइनेंशियल है उसका जो जीपी है उसके बेसिस पर कमीशन दिया जाएगा अगले साल ah. तो इस बार आपकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन ये बोलने का स्टाइल है कि हर साल हम जो जीपी निकालते हैं उस जीपी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन देना पड़ता है तो जाहिर सी बात है जून में देंगे वो कमीशन सो करंट ईयर में तो आउटस्टैंडिंग ही होगा ना सो so अपनी एंट्री क्या होगी कमीशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कमीशन और आउटस्टैंडिंग कमीशन विल गो एंड हिट इन दी बैलेंस शीट लाइवली साइड और कमीशन विल हिट दी पी एंड एल अकाउंट गो एट अच्छा जीपी पर भी निकाला तो भी वो कहां पे हिट करेगा पी एंडल अकाउंट इन जून 2007 एडिशनल फर्नीचर वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4000 एंड वाज डेबिटेड टू परचेसेस ये तो गड़बड़ हो गई परचेसेस मतलब ऊपर वाला जो दिया हुआ है कितना वन लैख नाइनटी टू थाउजेंड वो वाला परचेसेस है तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी परचेसेस में से लेस होगा बराबर है और फर्नीचर में एड तो बेटा एंट्री होगी इसकी फर्नीचर टू परचेसेस बेटा अब तू बोल रहा कौन से परचेसेस मतलब जो टोटल परचेसेस है वो स्प्लिट कर, कर कैसे करूंगा मैं टोटल परचेसेस है वो सो तो बेटा जी कितना लिख दूं फोर थाउजेंड और ये फोर थाउजेंड से यस सो ये क्या होगा फर्नीचर में एड और परचेसेस में से लेस तो वो जो वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड का फिगर है गलत है ये परचेसेस है नहीं ये होना चाहिए वन लैख एटी एट थाउजेंड Yes or no? 192 में से कितना लेस किया 4000 थाउजेंड आगे बढ़ते डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एनुअली ऑन फिक्स्ड फिक्स एट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अट हेल्ड एट द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड बिल्डिंग 2 परसेंट फर्नीचर 10 परसेंट एंड व्हीकल 20 परसेंट डेप्रिसिएशन लेस होगी वहां से और ये कहां हिट करेगा पे एंड एल अकाउंट बट पी एंड एल अकाउंट तो अपना कॉलम नर फॉर्मेट है तो उसको कैसे बांटना तो एडजस्टमेंट जी इज कनेक्टेड टू आई आय में लिखा हुआ है कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे बांटना है बिल्डिंग का आधा आधा फर्नीचर का थ्री टू में और व्हीकल सेवन में कॉस्ट ऑफ सिक्स थाउजेंड वॉज स्क्रैप आगे क्या लिखा है द फर्म डिड नॉट रिसीव एनीथिंग फॉर द स्क्रैप आई हेल्प यू आउट वॉट वी नीड टू डू अबाउट इट इज दैट ओके सो ये वाला एडजस्टमेंट हम पेंडिंग रखते हैं आगे हम देखेंगे क्या करना है अभी के लिए आपको क्या करना है ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट बनाना है कॉलमनर फॉर्मेट और बैलेंस शीट बनाना है सिंगल फॉर्मेट सिंगल कॉलम में और उसको यह करना है ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट यू हैव टू क्रिएट फॉर वन कंप्लीट पेज एंड बैलेंस शीट यू हैव टू क्रिएट फॉर हाफ अ पेज और से यू रेडी सो बॉयज एंड गर्ल्स बी रेडी एंड लेट्स क्रिएट ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन कौन आएगा ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट में बताएंगे आप क्लोदिंग और स्पोर्ट्स है ना ओके पहले क्लोदिंग लिखेंगे और फिर स्पोर्ट्स क्लोदिंग और फिर स्पोर्ट्स और उसी तरीके से आपने एक और चीज बना देनी है बैलेंस शीट बैलेंस शीट विल बी सिंगल कॉलम चलो बताओ अभी पहला आइटम क्या है सेल्स अरे यू रेडी तो जल्दी से करो बेटा मैं रुका हूं जल्दी से बी क्विक पहला आइटम लिखेंगे बाय सेल्स और लिखेंगे वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और फिर ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन टेन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड फिर आप लिखोगे टू परचेसेस बेटा फिगर पता नहीं हमें ये हम कैलकुलेट करेंगे सही है फिर बेटा जी एक काम कर क्या इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख दू क्या बाय क्लोजिंग स्टॉक ये तो दिया हुआ है कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा एडजस्टमेंट नंबर बी में आठ हजार थाउजेंड ठीक है एक एडजस्टमेंट बस मैं अभी सॉल्व करना चाहता हूं उसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए वो सेल्स का जीपी रेट कितना दिया हुआ है टू जीपी। पी वन थर्ड ऑफ सेल्स है ना बेटा सो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का वन थर्ड विल बी फोर्टी थाउजेंड सो यह आया वन थर्ड ऑफ वन ट्वेंटी और दूसरे वाले का कितना बताया बेटा थ्री टेंथ ऑफ वन लैख सिक्सटी थाउजेंड टर्नस आउट टू होम एच बेटा जी फोर्टी एट थाउजेंड नाउ बॉयज एंड गर्ल्स लॉजिकली डोंट यू थिंक सो माई परचेसेस शुड मैच विथ वन लैख एटी एट थाउजेंड विच शुड विद बैलेंसिंग फिगर बताओ मुझे क्लोदिंग का कितना आ रहा है सेवेंटी एट आ रहा है क्या और दूसरे वाले का बेटा वन लाख टेन थाउजेंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट अब बेटा एक बार इनकी टोटल ले लो वन लाख टेन थाउजेंड प्लस सेवेंटी एट थाउजेंड वन लाख एटी एट थाउजेंड मैच हो रहा है क्या यस सो बेटा जी कैन आई नॉट से बाय जीपी पी ब्रॉड डाउम सेवेंटी एट थाउजेंड एंड वन लैख टेन थाउजेंड से सॉरी मैडम तो ये आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड और फोर्टी एट थाउजेंड बेटा अभी मैं क्या करूंगा इधर टू कमीशन पेबल लिख दू क्या क्योंकि जो इस बार का जीपी है उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा कमीशन हा है ना इधर कमीशन पेबल लिखो या कमीशन लिख दो सो so, कितना आएगा फोर्टी थाउजेंड टू टू परसेंट एट हंड्रेड एंड फोर्टी एट थाउजेंड इंटू टू परसेंट नाइन सिक्सटी आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टुड सो यहां पर की वर्ड था यह सेवेंटी एट और वन लैख टेन थाउजेंड कैसे है ये वन एटी एट के साथ मैच हो रहा है और वही परचे थ्री परसेंट है ऐसा कैसा हो गया ओ ओ ये गलत हो गया बेटा ये थ्री परसेंट है फोर्टी एट थाउजेंड का थ्री परसेंट यार मतलब इसकी वजह से ना आधे बच्चे इधर खर्च हो जाते हैं वन फोर फोर जीरो बेटा इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बैलेंस शीट लाइवली साइड सो कम डाउन टू द बैलेंस शीट लाइवली साइड आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन सो कितना बोलेंगे बेटा जी एट हंड्रेड प्लस वन फोर फोर जीरो टू थाउजेंड टू फोर्टी अभी अगर आप रेडी हो तो हम आगे बढ़ेगा अब हम प्रॉब्लम को जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे करते जाएंगे परचेस का था तो मैंने पहले करवा दिया बट अभी हम प्रॉब्लम को पढ़ते पढ़ते जाएंगे टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बेटा इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या देखो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पी एल अकाउंट में एडजस्टमेंट मिलेगी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस क्लोदिंग का दिया पंद्रह हजार सो चुपरा झूठी पंद्रह हजार में से कितना लेस करोगे थ्री हंड्रेड फोर्टीन सेवन हंड्रेड आएगा क्या पेड है ना बेटा yes, और इसका कितना एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस सिक्सटीन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी यह फोर्टीन सेवन हंड्रेड कैसे है समझ में थ्री हंड्रेड लेस करके आ रहा है थ्री हंड्रेड कहां परीपेड नीचे दिया हुआ है संतोष पेन दे रहे जो टिकमक करना पड़ेगा अच्छा अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड कितना जाएगा सिर्फ थ्री हंड्रेड अब वो इधर दिख नहीं रहा है क्योंकि बेटा अपने पास इनर कॉलम नहीं है इसलिए तो अगर आप चाहो तो इधर वर्किंग दे सकते हो इट इज 15,000 थाउजेंड माइनस थ्री चलो इसका सेकंड इफेक्ट दे दो तो बेटा जी बैलेंस शीट में प्रीपेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट right, 300। बेटा सेल्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है जाके जा देखो एडजस्टमेंट डी है ना आउटस्टैंडिंग तो क्या करेंगे एड so, बेटा इधर क्या लिखेंगे टू सेल्स एंड एडमिन कितना बेटा सेल्स एंड एडमिन क्लोदिंग सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड है क्या प्लस कितना टू हंड्रेड सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड होगा और दूसरा कितना फाइव एट फोर जीरो प्लस सेवन हंड्रेड फाइव एट फोर जीरो प्लस सेवन हंड्रेड कितना आ रहा है बेटा सिक्स फाइव फोर जीरो एप्सलूटली राइट सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा लाइवलिटी साइड में डालू क्या सो क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है ना आउटस्टैंडिंग सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस द फिगर वुड बी इन द ब्रैकेट टू हंड्रेड

5,800 बैंक ओडी क्रेडिटर पे क्रेडिटर पे कोई नहीं एडजस्टमेंट 2,300 आई थिंक आई हैव डन विथ बैंक ओडी नाउ डेटर्स डेटर्स कितना आएगा 8,600 फिर बिल्डिंग बिल्डिंग एडजस्टमेंट है बट बेटा लिख तो देते हैं बिल्डिंग ट्वेंटी थाउजेंड इनर कॉलम में क्या करना है आगे देखेंगे डेप्रिसिएशन अभी नको करो बेटा फर्नीचर इनर कॉलम में लिख दो बेटा कितना है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एग्रीड बेटा फर्नीचर में एक एडजस्टमेंट भी की थी आपने में एक एडजस्टमेंट है एडिशन हुआ है देखो फर्नीचर में फर्नीचर एडिशन हुआ है देखो सो कैन आई नॉट से एड परचेसेस हाउ मच फोर थाउजेंड इनर कॉलम में आएगा थर्टी थाउजेंड इसका क्या करना है देखेंगे से फर्नीचर yes. के बाद व्हीकल्स. वहीकल्स फोर्टी टू थाउजेंड देखेंगे क्या करना है इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखकर छोड़ दिया से प्रोविजन अभी तक मैंने किसी का लिया नहीं है अच्छा एडजस्टमेंट नंबर ए हो गई करो yes. एडजस्टमेंट बी बैलेंस शीट में नहीं लिखा बैलेंस शीट में लिखो एडजस्टमेंट नंबर बी स्टॉक का लिखा बेटा बैलेंस शीट में नहीं लिखा सिर्फ ट्रेडिंग में लिखा है स्टॉक इन द ब्रैकेट बताऊंग आठ प्लस चौदाह हजार ओ ओ, 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 ओ व्हीकल्स के नीचे जगह पाइजे स्टॉक 8,000 प्लस 14,000, यू मीन हाउ मच 22,000, अमाउंट्स थाउजेंड प्रीपेड भी हो गया डी भी हो गया ना बेटा e हां ई e भी हो गया ओके एफ एडिशनल है वो हो गया ठीक है जी डेप्रिसिएशन निकालना है और एच मोटर व्हीकल का करना है और फिक्स्ड असेट का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में कैसे बांटना है ये बात है अब जरा पढ़ो डेप्रिसिएशन कैसे बोला है? डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग नॉट डब्ल्यू डीवी इट इज एस एल एम मेथड और कैसे बोल रहे हेल्ड एट द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड इसका मतलब क्या है एंड में जितनी भी आपके पास असेट है उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो मतलब जो फर्नीचर है ना बीच में एक्वायर किया जून 2007 उस पर भी ईयर एंड में रहेगा तो आप कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे पूरे साल भर का और दूसरा ऑप्शन क्या है एक है पूरा साल भर का क्योंकि क्या बोला है उन्होंने कि डेप्रीसिएशन चार्ज करो ऑन द अट हेल्ड एट द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड उसका और एक अप्रोच क्या हो कर सकते हो आपके फर्नीचर पर कितने महीने का करोगे जून के आगे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है नहीं कितने महीने हो रहे सात अब कोई बच्चा पकड़ेगा कि सर जून एंड में तो छः महीने फर्स्ट जून बोलेंगे तो कितना सात महीने तो बेटा जी मैं यहां पर जब करूंगा डेप्रिसिएशन सो आई विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट ठीक है तो फर्नीचर पर हम कितने महीने का सात महीने का और बाकी के ओपनिंग बैलेंस पर कितना पूरे ट्वेल्व मंथ्स का अब सुनो घाई उन्होंने को करो इधर मैं लेस करूंगा लेस प्रोविजन फॉर डेपरी घाई नको करो सिर्फ समझो इन द द्र इन द ब्रैकेट बेटा फर्नीचर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है नौ हजार है क्या हाई नहीं प्लस क्या रेट है बेटा टेन परसेंट सो कैन आई नॉट से टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू सेवन बाय ट्वेल्व समझ में आई ये बात कैसे गिरा नाइन थाउजेंड एम प्लस टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम प्लस फोर थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू सेवन बाय ट्वेल्व इज टू एम प्लस मेमोरी रिकवर कितना है वन वन एट थ्री थ्री 18,167 क्या ये बात समझ में आई सभी को हैप्पी अब ये बेटा वर्किंग नोट भी कर सकते थे कैसे कर सकते थे वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर सो डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर में हम क्या करते छब्बीस हजार पर टेन परसेंट और फोर थाउजेंड पर हाउ मेनी मंथ्स सेवन मंथ्स अच्छा किसी व्यक्ति ने यहां पर पूरे के पूरे तीस हजार पर टेन परसेंट निकाल दिया होता तो गलत होता क्या नहीं क्योंकि उन्होंने बोला ईयर एंड के बेसिस पर और हमें एजम्पन लिखना पड़ता है इट इज अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर ऑन द दसेट परचेस्ड ऐसा होता है ना कि असेट परचेज पर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेल करते हो कि नहीं करते अच्छा नेक्स्ट अभी डेप्रिसिएशन कहाँ हिट मारेगा पी एंड एल अकाउंट में बट वो रेशियो में हम बाद में कर देंगे ठीक है अब नेक्स्ट पढ़ते बिल्डिंग पर कितना डिप्रिसिएशन है बेटा टू तो परसेंट और बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या नहीं तो हम क्या करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाँ कर रहा हूं ना बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन द ब्रैकेट 800 प्लस टू परसेंट ऑफ 20,000 कितना आ रहा है बेटा 1200 टोटल आ रहा है क्या 18,800 ना गलत आ रहा है कोई बात नहीं मैडम होता है गुड मॉर्निंग बेटा अभी एच को थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं एच को वर्कआउट करते हैं एच में क्या हुआ है पढ़ते हैं एडजस्टमेंट में क्या लिखा है यहां तक आ गए बेटा आप एच में क्या लिखा इन ऑगस्ट 2007 थाउजेंड सेवन मोटर व्हीकल विच वॉज बॉट इन जैन टू थाउजेंड थ्री एट कॉस्ट ऑफ सिक्स नॉट रिसीव एनी थिंग फॉर द स्क्रैप हमें स्क्रैप के बदले में कुछ नहीं मिला और उन्होंने क्या कर दिया अगस्त 2007 में एक असट को स्क्रैप कर दिया यस और नो तो सुनो अब मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं व्हीकल्स कितने का है फोर्टी टू थाउजेंड ओरिजिनल कॉस्ट से क्या 4, उसके दो हिस्से एक स्क्रैप्ड स्क्रैप्ड वाला कितना है उसका ओरिजिनल कॉस्ट छह हजार और दूसरा वाला कौन सा है दूसरा वाला रिटेन्ड कुछ नया फर्नीचर बाय किया गया नया व्हीकल बाई किया गया नहीं थर्टी सिक्स थाउजेंड एग्रीड यस अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है ट्वेंटी परसेंट है व्हीकल पर अच्छा मुझे एक बात बताओ जैन 2003 में बाई किया था उस सॉरी 2007 में बाई किया था अगस्त नहीं 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 सॉरी जैन 2003 में बाई किया आई एम सो सॉरी टू क्रिएट सो मच ऑफ कंफ्यूजन बट क्या है अगस्त में स्क्रैप किया रे बट बाय कब किया जैन, जैन 2003 थाउजेंड थ्री सो अगर मैं ईयर एंड दिसंबर मानता हूं सो दो हजार में डिप्रिसिएशन हुआ चार में हुआ पाँच में हुआ और छः में हो गया सात में होना बाकी है क्योंकि सात में होता है ईयर एंड के वक्त तो अभी तक डिप्रिसिएशन नहीं हुआ सो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पर ईयर ट्वेंटी परसेंट इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुई थी और स्ट्रेट लाइन मेथड है सो so, अभी तक ये एट्टी परसेंट डिप्रीशिएट हो चुका है अभी तक ये एट्टी परसेंट डिप्रीशिएट हो चुका है मेरी बातें आपके माथे में पहुंच रही है क्या तो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो रिटेन है स्क्रैप्ट है माइनस एट्टी परसेंट कितना आएगा उज इंटू एटी परसेंट कितना आ रहा है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड दिस प्रोविजन तो छ हजार माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड कितना बारह सो यह स्क्रैप किया गया और स्क्रैप के बदले में हमें कुछ मिला गया नहीं और ये स्क्रैप वैल्यू इज अ लॉस ये लॉस हिट करेगा दो डिपार्टमेंट को क्लोदिंग और स्पोर्ट्स सो से बेटा सेलोदिंग को कितना हिट करेगा जरा जाके देखो व्हीकल का फाइव इंसू सेवन है ना तो इधर आएगा 500 और इधर आएगा 700 ये समझ में आ रहा कैसे है कैसे आ रहा है ट्वेल्व हंड्रेड इंटू फाइव बाई और ये आएगा 1200 हंड्रेड इंटू सेवन बाय ट्वेल्व डू ऑल अप्रिशिएट अब 36,000 पर डिप्रीशिएशन कितना आएगा एट द रेट ऑफ 20 परसेंट बेटा तो कितना आ जाए सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड से नो तुम्हारे बुक्स में जो डब्ल्यू डी दिखनी चाहिए व्हीकल की वो कितनी दिखेगी 36,000 सिक्स थाउजेंड माइनस सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड बट बेटा मैं फिगर तो ऐसे नहीं दिखा सकता मुझे ऐसा नहीं दिखा सकता मैं फिगर नहीं सॉरी इधर डब्ल्यू इतनी नहीं दिखेगी आई एम सो सॉरी सॉरी ये डिप्रिसिएशन आएगा सिर्फ बट मैं ऐसा फिगर नहीं दिखा सकता क्यों नहीं दिखा सकता ये ज़रा देखो ये हुआ 36,000 में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 7,200 प्रेजेंटेशन कैसा आएगा जरा देखो व्हीकल 42,000 लेस स्क्रैप जो स्क्रैप हुई वो कितने का है? स्क्रैप हुआ 6,000 ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट ही लेस होगी डब्ल्यूडीवी लेस नहीं 36,000 अब लेस प्रोविजन टोटल पहले वाला प्रोविजन कितना है बीस हजार चार सौ माइनस चार हजार आठ सौ रिवर्स करेंगे ना क्योंकि जो असेट स्क्रैप हो गई अब उसका प्रोविजन नहीं रहेगा कड़ता का है बचपन में गया होगा माइनस फोर एट हंड्रेड माइनस करंट और सॉरी माइनस नहीं एड सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड आई होप यू गॉट माई पॉइंट टफ है समझा क्या जो असेट बेच दी उसको हमने कॉस्ट में से भी निकाल दिया तो उसका प्रोविजन बुक्स में रखकर क्या करेंगे तो उसका प्रोविजन तो हमें पता है ना 80 परसेंट तक उसका प्रोविजन में था तो प्रोविजन में से 4,800 और प्लस क्या करेंगे 7,200 ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है सो तो कितना आएगा? 20,400 4,800 प्लस 7,200 कितना आ रहा है 22,800 टू बताइए तेरा दो सौ हमारी एसेट की वैल्यू रहेगी यस और नो मुझे नहीं समझा बताओ कैसे किया 42,000 में से 6,000 हजार क्यों लेस किया स्क्रैप हो गया दूसरा फिर हमें प्रोविजन लेस करना है सो so, प्रोविजन में ओपनिंग प्रोविजन है उसमें से जो स्क्रैप हुआ उसका प्रोविजन माइनस किया और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन ऐड किया तो आपको क्लोजिंग प्रोविजन मिला वो माइनस किया तो हमको क्या मिल गया डब्ल्यू तो अब यहां पर ये 7,200 दो डिपार्टमेंट में जाएगा कौन से कौन से क्लोदिंग और स्पोर्ट्स फाइव इस टू टू में बता बेटा कितना है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इन टू फाइव बाई ट्वेल्व थ्री थाउजेंड एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट प्लीज कर लो इसको हैव यू ऑल डन ओके अब बेटा क्या करना है पता है ये पी एंड एल अकाउंट में डालना है ये भी पी एंड एल अकाउंट में डालना है और ये वाली, वाली वैल्यू बैलेंस शीट में जानी चाहिए तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे दिखाएंगे कैसे छः हज़ार लेस किया और प्रोविजन लेस किया ये पूरा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में दिखाएंगे हाँ है ना तो चलिए आ जाइए बेटा जी बैलेंस शीट में व्हीकल में पहले क्या करना लेस स्क्रैप कितना लिखो बेटा सिक्स थाउजेंड लेस फिर क्या करेंगे गुड़िया इसमें क्या करेंगे थर्टी सिक्स थाउजेंड आ रहा है ना लेस प्रोविजन ट्वेंटी टू एट हंड्रेड सही है आउटर कॉलम में भी गुड़िया कितना आ रहा है थर्टीन टू हंड्रेड अब सेकंड इफेक्ट देना है इनका डेप्रिसिएशन का और स्क्रैप वैल्यू का सो पी एंड एल अकाउंट में आ जाओ इधर लिखो टू स्क्रैप ऑफ व्हीकल जितना लॉस लॉस ऑफ स्क्रैप ऑफ व्हीकल फाइव हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड टू और क्या आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर और व्हीकल सोच समझ के बताना बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना है बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन कितना था सोच समझ के बताओ 400 बता रहे हो तुम श्योर उसको पहले का, था था था। पहले का कैसे माइनस करेगी गुड़िया गुंडू हाँ कितना बुरा लगेगा वो टीचर को रात में भी सपने में आएगी और गंदे गंदे बातें कर कर जाएगी देखना फिर डिप्रिसिएशन <laughs> कितना आएगा बेटा जी 200 और 200 क्यों हाँ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा यहां पर पी एंडल अकाउंट में करंट ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा एक्यूमलेटेड नहीं आता इधर अच्छा फर्नीचर का करंट ईयर का बताओ सोच के फर्नीचर का करंट ईयर का है ओ ओ ये इसका जो टोटल आ रहा है ना वो सो so, 11833 11, लेवन एट थ्री थ्री माइनस नौ हजार किया सो टू एट थ्री थ्री है क्या बाबू टू एट थ्री थ्री कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है क्या 11833 थाउजेंड एट थ्री थ्री में से नौ हजार ओपनिंग है वो माइनस कर दे तो टू एट थ्री थ्री करंट ईयर का है टू एट थ्री थ्री के लिए रेशियो क्या बोल रहे बाबू मैं पूछ रहा हूं रेशियो क्या बोल रहे तू क्या बोल रही थ्री टू टू डिवाइड बाई फाइव इंटू थ्री सो ये बराबर बोली छोरी सेवनटीन हंड्रेड वन वन थ्री थ्री और व्हीकल का डिप्रिसिएशन कितना है बेटा कितना गुड़िया सात हजार दो सौ है डिप्रिसिएशन करंट ईयर का अच्छा थ्री थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ओके सो है एडजस्टमेंट पहले सारे एडजस्टमेंट कर ली क्या देख लीजिए ओके नाउ जीपी आ गया जीपी के बाद में एनपी निकालो बेटा फाइव हंड्रेड आ क्या? और दूसरे वालेगा फोर्टी एट थाउजेंड माइनस वन फोर फोर जीरो माइनस सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी माइनस सिक्स फाइव फोर जीरो माइनस सेवन हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड माइनस वन वन थ्री थ्री माइनस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड एट सिक्सटी सेवन ये मैच हो क्या देखो बेटा सिक्सटीन थाउजेंड एट सिक्सटी सेवन मैच हो रहे गुड़िया कैसे रहे बुड्ढा तुमसे आगे चला गया है? मैं कैसे झंडू सिक्सटीन एट सिक्सटी सेवन आ रहा है क्या अब 16867 को कहां लेकर जाएंगे कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट इन द ब्रैकेट बेटा 16867 प्लस बेटा उसका कितना आया था दूसरे वाले का 28367 48367 एंड देन आई टेक 48367 एंड देन व्हेन यू हैव टू टेक द टोटल व्हाट्स द टोटल

यस, yes. सो so, पर टैली हो गया yes, बहुत गंदा लिखा बेटा और थोड़ा गंदा लिख फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा <laughs> तो फिर वो ऐसे ही बोलेगी क्या वहीकल का थोड़ा गलत होगा अच्छे से लिखना गुड़िया यस मेजर प्रॉब्लम तेरा स्पेस का है ऑलवेज रिमेम्बर वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट इन देपर तुमने एग्जामिनेशन फीस दी है ना तो थोड़ा सा पेपर यूज़ कर लेने का कोई दिक्कत नहीं है और अगर अगला अटेम्प्ट लगा तो पेड़ ज़्यादा कटते और समझे क्या? तो इसलिए एक ही अटेम्प्ट में खत्म करने का सो दैट यू कैन सेव नेचर ऑल्सो कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा ये ज़्यादा हो गया सर हाय हाँ काफी काफी डीप हो गया सर ऐसा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो कभी भी इसको स्लोली सॉल्व नहीं करना ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि कब आपका टाइम कंज्यूम कर जाएगा आपको पता नहीं चलता क्योंकि होता क्या है कि ये लगता है इजी है और करते रहते पहलते रहते पहलते रहते पहलते रहते एंड देन इट टेक्स टाइम सो यू नीड टू बी रियली ऑन योर टोज अवेयरनेस ये जो चीज है ना वो आ गई ना तो चीजें फास्ट होती है अवेयरनेस नहीं आती बच्चों को एग्जाम में यू हैव टू बी ऑन योर टोज राइट फास्ट राइट फास्ट एंड आई हैव टू बी परफेक्ट आई हैव नीड टू बी एक्यूरेट ये कंटिन्यूसली दिमाग में भजन चलना चाहिए मतलब राइटिंग फास्ट डजन मीन दैट यू कैन क्रिएट मिस्टेक यू हैव टू थिंक फास्ट एंड यू कैनॉट कमिट मिस्टेक You need to be like F1 driver. Okay. एक ट्रक ड्राइवर होता है और एक एफ वन ड्राइवर होता है तो जो फॉर्मूला वन का ड्राइवर होता है वो भी ड्राइवर ही रहता है बट ही अर्नस इन क्रोअर्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज सो यू नीट टू बी फास्ट विदाउटेक ऑलवेज रिमेम्बर दैट और मिस्टेक किया तो क्या होता है पता है ना एफ वन ड्राइवर का uh, death. नहीं दे क्यू रे ऐसी गंदी बातें नहीं है नी की देते बट बोल रहा हूँ कि गलती होगी तो क्या हो जाता है तुम गलती नहीं करोगे अपने यहां पे कुछ नहीं रहे नेक्स्ट अटैम्प्ट क्या सी ए का एक एंथम हमको सिखाते थे हमारे सीनियर लोग फाइट फाइट नेवर सरेंडर आफ्टर मे देर इज नवंबर फिर वेर देर इज अ विल देर इज अ वे आफ्टर मे देर इज नवंबर गुड ठीक <laughs> 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 है ब्रह्मा लिमिटेड हेज थ्री डिपार्टमेंट्स पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर टू ब्रह्मा जी तक पहुंच गए हम ब्रह्मा लिमिटेड एज थ्री डिपार्टमेंट्स तीन डिपार्टमेंट तीन होते हैं क्या पता नहीं सॉरी एंड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड इलेवन परचेज फाइव थाउजेंड यूनिट टेन थाउजेंड यूनिट एंड फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट डिपार्टमेंट वाइज परचेसेस दिया एट लैक फोर्टी थाउजेंड ये फाइनल दिया बेटा टोटल परचेस दिया सेल्स दिए इतने सारे यूनिट के सेलिंग प्राइस दिया 40, 45, 50, क्लोजिंग स्टॉक दिया 400, 600 और 700, और बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ब्रह्मा लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीपी और द रेट ऑफ सेल्स इज यूनिफॉर्म इन ईच केस ट्राई करोगे पहले विल यू गिव अ ट्राई संतोष कोशिश कर संतोष एकमात्र बच्चा है जो सी की क्लास में बैठता है और बिल्कुल टेंशन फ्री बैठता है यह क्वेश्चन भी ऐसा है कि जो इजी लगता है सॉल्व करने के बाद में पता चल रहा है अटक गए ट्राई करो फिर हम आगे जाएंगे शिला सोल्व इसमें तुम कहां अटके में तुम्हें बता दूं देखो मैं पहले तुम कहां कैसे हटके में तुम्हें बता दू ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मान लो मैंने ए बी सी बेटा एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो प्लीज ध्यान से देख लो ए बी सी ए बी सी नाव यू नो ओपनिंग स्टॉक बट यू नो क्वांटिटी यू नो टोटल परचेसेस बट यू डोंट नो हाउ टू अपॉर्शनेट यू नो बाय सेल्स तो बेटा सेल्स कितना है जरा एक बार कैलकुलेटर पर लो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू फोर्टी ना सो टू लैख एट थाउजेंड और दूसरे वाला आएगा नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव फोर लैख फोर्टी वन और तीसरा वाला कितना आएगा बेटा जी सेल्स कितना फिफ्टीन थ्री हंड्रेड इंटू फिफ्टी कितना आएगा सेवन लैक्सटी फाइव एक्चुअल सेल नाउ यू ऑल्सो नो द क्लोजिंग स्टॉक यू नो द क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है और अब तुमको यहां पर यह पता है कि इन सभी के ऊपर जो रेट लगने वाली वो सेम है पर वो रेट क्या है वो पता नहीं अगर मान लो तुमको रेट पता चल गई जीपी रेट तो तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है क्या प्रत्येक यूनिट की प्रत्येक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से जीपी रेट माइनस कर दिया तो परचेस प्राइस मिल जाएगी क्या सभी की क्वांटिटी पता है और परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओपनिंग मिल जाएगा परचेस मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा कैन आई रिपीट जीपी रेट मिला तो सेल प्राइस में से जीपी रेट माइनस करते कॉस्ट मिल जाएगी और कॉस्ट को हम यूज कर सकते ओपनिंग स्टॉक के लिए परचेसेस के लिए और किसके लिए क्लोजिंग स्टॉक तो वो मिलेगी कैसे तो यहां तक तो आपके दिमाग में मैं डालने में कामयाब रहा ठीक है आपने यहां तक तो लिखा होगा लिखा है ना तो सुनते हैं अभी मैं एक अज्यूम करूंगा क्या हो रही ओपनिंग स्टॉक का क्लू क्या है? क्वांटिटी इनटू कॉस्ट और कॉस्ट कैसे निकलेगी सेलिंग प्राइस माइनस जीपी रेट और हम ऐसा लिखेंगे दैट द प्राइज हैव बीन यूनिफॉर्म फॉर द लास्ट टू ईयर्स इससे फायदा क्या हो जाएगा जो इस बार बाय किया वही प्राइस पिछले बार भी थी वही प्राइस पिछले बार थी तो ओपनिंग स्टॉक के लिए भी जो इस बार की आएगी ना कॉस्ट वही ओपनिंग स्टॉक के लिए भी रहेगी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दू एलईडी लाइट्स इनकी प्राइस काफी अरसे से चेंज नहीं हुई है तो अगर मैं प्राइसिंग निकाल पाया करंट ईयर की भी तो मैं बोल सकता हूं पिछले साल भी कितनी थी मुझे पता है आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं ना जिनकी प्राइसेस चेंज हुई नहीं है तो इफ आई इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट द प्राइज फॉर द करंट ईयर बी एबल टू टेल यू वट इज द द फॉर लास्ट ईयर ऑल्सो तो हम यहां पर ये ये लिखेंगे कि हैव बीन यूनिफॉर्म फॉर लास्ट कपल ऑफ लिखना पड़ेगा अदरवाइज ओपनिंग स्टॉक की क्या कॉस्ट रहेगी मुझे कैसे निकालूंगा तो so, मेरे पास एक ही तरीका है सेलिंग प्राइस माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा जीपी रेट तो एल गेट व्हाट कॉस्ट ओके बेटा ओके okay. अब सुन गुड़िया आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हुआ है नहीं बात को समझो पांडे जी अज्यूम करना पड़ेगा कि जितना बाय किया सिर्फ उतना ही सेल हुआ वट एवर यू हैव परचेस्ड इज ओनली सोल्ड यू हैव टू अज्यूम आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फर्स्ट अजम्पन उसके ये assumption समझते तो आगे के तुम हाँ। खड़ा खड़ लगे सो so, अब बेटा तुम्हारे पास हर एक बार कितने यूनिट परचेस किए ये पता है क्या तुम्हें है। कितने यूनिट बाय किए फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू सेलिंग प्राइस ये हम क्या कैस्यूम करें कि जितना बाय किया उतना सेल हुआ तो ऐसा में परचेस इंटू सेलिंग प्राइस परचेस इंटू सेलिंग प्राइस परचेस क्वाटिटी इंटू सेलिंग प्राइस वैसे मुझे जितना बाय किया उसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी क्या और क्या मुझे उसकी कॉस्ट भी बताएगा परचेसेस करंट ईयर की टोटल 840 माइनस किया मुझे जीपी मिल जाएगा एंड देन आई कंपेयर दिस विद द टोटल सेल्स एंड आई गेट द जीपी रेट उन्होंने बोला जीपी तीनों केस में कांस्टेंट है रीड दिस लाइन द जीपी रेट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द थ्री केसेस बोला है ना so, तुम्हें एग्जाम में ट्रिक कैसा है जो दिया हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर निकालो जैसे परचेसोर्टी तो का सेल्स विगर निकालो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट डाउन अज्यूमिंग ऑल लिखना शुरू करिए ऑल परचेज गुड्स और ऑल परचेस यूनिट्स आर सोल्ड ऑल परचेस यूनिट्स आर सोल्ड ये अज्यूमिंग है एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ इसलिए देखो सेल मैंने वो नहीं लिखा सेल तो जो एक्चुअली वही लिखा हो नहीं so, अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा कौन सा है ए बी सी कैन आई नॉट से फाइव थाउजेंड इंटू फोर्टी और दूसरे वाला क्या क्या लिखूंगा टेन थाउजेंड इंटू फोर्टी फाइव सेलिंग प्राइस और दूसरा वाला क्या फिफ्टीन थाउजेंड इंटू फिफ्टी फाइव थाउजेंड इन टू फोर्टी इज इकल टू टू लैख ये तो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड है सेवन लैख फिफ्टी है क्या यस नाउ इफ यू टेक द टोटल दो चार छ छ फोर्टीन लैख आ रहा है मेरा तो फोर्टीन लाख ये टोटल मेरा सेल्स आ रहा है क्या एग्रीड ये सेल एक्चुअल सेल नहीं लिखना है अज्यूम करें कि इतना सेल हुआ है लेस करेंगे परचेसेस कितना बेटा परचेसेस एट लैख फोर्टी थाउजेंड तो तुम्हारा जीपी कितना आएगा इस केस में फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड फिर मैंने क्या लिखा जीपी रेट इज इक्वल टू फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड बाय फोर्टीन लैख इंटू हंड्रेड तो जीपी रेट कितना आएगा फोर्टी परसेंट आ क्या बेटा अब जीपी रेट आने से क्या क्या सिखाया मैंने आपको प्रत्येक की सेलिंग प्राइस में से जीपी रेट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्रत्येक की जीपी रेट में से सॉरी सेलिंग प्राइस में से जीपी रेट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगी कॉस्ट अगर आप रेडी हो तो बताओ so i'll write down cost of goods so hum likhenge a b c selling price to main likhunga sp minus gp rate hai na acha cost of goods ye ek hi bar upar likh deta hu formula sp minus gp rate सुगुड़िया so, बता मुझे sp कितना है पहले का 40 है क्या 40 minus 40 परसेंट ट्वेंटी फोर आ रहा है और दूसरे वाले का कितना फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी परसेंट इट इज ट्वेंटी सेवन एंड द लास्ट वन इज फिफ्टी माइनस फोर्टी परसेंट थर्टी दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स हैप्पी डियर स्टूडेंट्स यू टेल मी अब हमको और एक क्या जम्शन लिखना पड़ेगा

क्योंकि हमारे स्टॉक किस पर वैल्यू होते हैं कॉस्ट अब परचेसेस ये रेट से किया होगा ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक भी मैं बोल सकता हूं कि इसी रेट पर रहेगा क्योंकि मैंने किया जो ओपनिंग स्टॉक है वो बिक गया होगा बट मैं ये नहीं बोल सकता कि ओपनिंग स्टॉक भी इसी रेट पर है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक के वक्त भी यही रेट थी सही है सर वैसे जीपी रेट इज सेम बोला तो ओपनिंग स्टॉक भी सेम रेट पर ही रहना चाहिए सो बेटा जी क्या अब मैं यहां पर आकर ओपनिंग स्टॉक निकाल सकता हूं क्या कॉस्ट पता है बेटा तुम्हें और ओपनिंग स्टॉक पता है क्या ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है बट निकाल सकते हैं क्या आप कैसे निकालोगे कितने यूनिट सेल टू हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड क्लोजिंग स्टॉक है मतलब क्रेडिट साइड पता चला फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस फाइव थाउजेंड तो कितना आएगा सिक्स हंड्रेड बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं सिक्स हंड्रेड इंटू वॉट ट्वेंटी 600 इंटू ट्वेंटी फोर फोर्टीन फोर हंड्रेड एक सेकेंड पूरी क्लास वापिस एक बार देखो कैसा है सिक्स हंड्रेड ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड विजुअलाइज करो तुम्हें सेल्स दिया हुआ है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट और चार सौ यूनिट दिया है क्लोजिंग स्टॉक मतलब सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड उसमें से करंट ईयर में बाई किया आपने पांच हजार तो ओपनिंग कितना रहा छह सौ यूनिट अच्छा दूसरा वाला कितना रहेगा नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड बेटा बेटा मेरा तो अच्छा मैंने कुछ गलत किया क्या नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट आएंगे क्या इन टू ट्वेंटी सेवन और दूसरा वाला कितना आएगा बेटा फिफ्टीन थ्री हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड वन थाउजेंड यूनिट आ रहे क्या वन थाउजेंड यूनिट इंटू तीस रुपए यही बात बोल रहे हो टेन थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड ओके परचेसेस कितने यूनिट है बेटा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर सॉरी 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 गलती होगी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फोर परचेस लेना पड़ेगा ना और टेन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी सेवन बराबर है ना और फिफ्टीन थाउजेंड इंटू थर्टी और इधर भी लिख कर रख देता हूं अभी एक बार का क्लोजिंग स्टॉक कितना है फोर हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर और ये आएगा सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी सेवन और ये लिख रहा हूं सेवन हंड्रेड इंटू थर्टी अरे नलाई को गुस्सा हो ना कुछ नहीं फिगर्स यहीं से, यही से देखकर उठा के लिख रहा हूं फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फोर इट इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ये आएगा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड बेटा

ओके ट्वेंटी वन थाउजेंड नाउ विद दिस जीपी मुझे निकालने की जरूरत नहीं आप निकाल कर ले लो मुझे तो ऐसे ही पता है एटी थ्री टू हंड्रेड कितना बता रहे तुम फोर लैख फोर्टी वन थाउजेंड पॉइंट फोर वन सेवेंटी सिक्स फोर हंड्रेड और एक बार चेक कर लो मैच हो रहा है कि नहीं uh, ये कितना थ्री लैख डेली सो इसी के साथ टेली हो जाता है यस आर नो यस सो बॉयज एंड गर्ल्स एंड गर्ल्स एंड बॉयस लेट्स वाइंड अप दिस सेशन टूडेयर ओनली एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर टू आप सभी लोगों को, को रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन एक बार देख के आना जो अभी तक हमने की है इजे okay? चलो प्यार से बाय बोलो बाय एंड गॉड ब्लेस यूर टेक केयर खुदाफिस